Dear students, this is the science subject and lesson number 8 for class 6, and this is the first video of this lesson, and the name of the lesson is the Getting to Know Plants, पौधों की जानकारी प्राप्त करना. Herbs, shrubs and tree. Herb means साग के पौधे, और shrubs झाड़ी, और trees ये पेड़. Plants grow all around us. हमारे चारों ओर पौधे उगते हैं, पनपते हैं. They grow on land as well as in water. वे जमीन की तरह पानी में उगते हैं. It has been estimated that there are about 2,50,000 types of plants. ऐसा अनुमान है कि यह अंदाज लगाया गया है कि लगभग 2,50,000 पौधों की किस्में हैं. To make the study of plants easier, they have been divided into groups. उन पौधों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए वे समूहों में विभाजित किए गए हैं. The two broad groups are flowering plants and non-flowering plants. दो बड़े समूह पुष्पीय पौधे और अपुष्पीय पौधे हैं. दीज आर फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी सब ग्रुप्स. वे आगे कई उप समूहों में बांटे गए. प्लांट्स लाइक रोज, सनफ्लावर एंड मैंगो आर फ्लावरिंग प्लांट्स. गुलाब, सूरजमुखी और आम जैसे पौधे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. Plants like ferns and mosses don't bear flowers. Fern और mosses जैसे पौधे फूल नहीं देते हैं. They are non-flowering plants. वे अपुष्पीय और पुष्पीय पौधे हैं. Another way of classifying plants is according to their size and the nature of their stem. पौधों के वर्गीकरण का दूसरा तरीका उनके आकार और उनके तने के स्वभाव के अनुसार है. बेस्ड ऑन दिस, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. इसके आधार पर पौधों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है. हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज. टेबल 8.1 उनके स्वभाव और प्रत्येक के उदाहरण देता है. यू कैन गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. नाउ सी द टेबल नंबर 8.1. देर आर इन दिस टेबल देर आर 4 कॉलम्स. इन फर्स्ट कॉलम there is written parameters. Second, herbs. Third, shrubs. And fourth column is for trees. In parameters, there is written the nature and size of herbs and shrubs and trees. यानि कि तीनों के बारे में का जो पैमाना है कि सबसे पहले हम लोग स्टडी इस टेबल में बताया गया है कि साइज क्या होता है हर सब और चीज का, फिर उनका स्वभाव क्या होता है हर सब और चीज का, फिर थर्ड जो दिया गया है वो उदाहरण दिए गए हैं. तीनों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हर के भी, सब के भी एंड चीज के भी. तो जैसा कि आप टेबल देख रहे हैं, साइज जो है
जो हर्ब्स के होते हैं बहुत छोटे होते हैं और अक्सर इनकी ऊंचाई जो होती है 1 मीटर से कम होती है। अब आते हैं साइज के स्टडी पर सब्स का, तो ये मध्यम आकार के होते हैं और अक्सर इनकी ऊंचाई जो है 1 से 3 मीटर की होती है। और पेड़ के बारे में, ये लंबे होते हैं और अक्सर ये 3 मीटर से भी ऊंचे होते हैं। अब जरा इनकी स्टीम का स्वभाव का कैसा होता है, नेचर ऑफ स्टीम। तो हर्ब्स जो है ये हरे होते हैं, स्टीम होते हैं और उनकी शाखाएं होती हैं। और ये सब्स जो है इनके स्टेम तो हार्ड होते हैं लेकिन बहुत मोटे नहीं होते हैं, और इनकी जो शाखाएं इनमें निकलती हैं उनके स्टेम के बेस के आधार के पास से निकलती हैं। वहीं बात करते हैं पेड़ की, तो पेड़ के स्टेम जो होते हैं काफ़ी कड़े होते हैं, भूरे होते हैं और मोटे तने इसके स्टेम होते हैं। इसकी शाखाएं जो होती हैं वो तने के ऊपरी भाग से वृद्धि करती हैं ये। और ये एग्जांपल्स जो दिए गए हैं, हर्ब्स हैं ग्रास, टोमेटो, वीट, मिंट, यानी कि जो घासें हैं, टमाटर है, गेहूं है, पुदीना है, या आप कह सकते हैं पपीता भी है, सॉरी बनाना, केला जो है, या बम्बू, बांस को भी लोग कहते हैं कि दैट इज द एग्जांपल फॉर रोहन। और ये सब्स का एग्जांपल है चाइना रोज, ये लेमन रोज, पोम ग्रेनेट, यहाँ पोम ग्रेनेट का मतलब अनार है, गुलाब, नींबू और ये उड़हुल, ये सब एग्जांपल्स जो हैं वो सबके हैं। और पेड़ तो आप देख ही रहे हैं, नीम, पीपल, मैंगो, बहुत सारे पेड़ हैं। तो आइए अब हम लोग फिर आते हैं वहाँ पर, देयर इज, जहाँ से हम लोग ये आगे बढ़ते हैं, देयर इज अनदर टाइप ऑफ प्लांट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स एंड ट्रीज। यहाँ दूसरे किस्म के भी पौधे हैं जो कि हर्ब्स, सब्स और ट्री से भिन्न है। दीज आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। और वे पौधे जो कि हर्ब्स, सब्स और ट्री से भिन्न हैं, वे हैं ऐसे पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और उनके तने जो होते हैं कमजोर होते हैं। सम ऑफ दी स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ पौधे इन जमीन पर फैलते हैं, उदाहरण है स्ट्रॉबेरी के, और ये क्रीपर्स होते हैं, इनमें ये लता होते हैं, लताएं होती हैं। अदर्स क्लाइंब अप विद द हेल्प ऑफ ए सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल ग्रिप वाइन एंड गार्ड। दूसरे जो चढ़ने वाले, दूसरे किसी मदद की सपोर्ट की सहायता से चढ़ते हैं, एग्जाम्पल है ग्रिप वाइन एंड गार्ड, कद्दू और अंगूर की जो लता है इसके एग्जाम्पल्स हैं। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ये क्लाइंबर्स कहे जाते हैं। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द प्लांट सिस्टम्स। वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस टू कीप इट अलाइव, इसे जीवित रखने के लिए पौधे के अनेक अंग विभिन्न कार्य करते हैं। लेट अस स्टडी द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। अब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। यू विल नोटिस दैट द प्लांट हैज टू पार्ट्स, आप देखेंगे कि पौधों के दो भाग हैं, पहला है
the underground part of the plant or the part that remains in the soil is called the root system. जमीन के पौधे के जमीन के अंदर वाले भाग या वे भाग जो मिट्टी में रहते हैं जिन्हें की रूट सिस्टम कहते हैं, या इट कंसिस्ट ऑफ मेन रूट एंड ए नंबर ऑफ ब्रांचिंग रूट्स, या एक मुख्य जड़ और ब्रांचिंग रूट्स कई उसमें से निकली हुई कई शाखाओं के बने होते हैं. तो सेकेंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज द शूट सिस्टम. नाउ द ग्रीन पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम. जमीन के ऊपर हरा भाग जो वृद्धि करता है पौधे का, वो शूट सिस्टम कहलाता है. इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. और यह तने, लीव्स, पत्तियां, कलियां, फूलों और फलों से बने होते हैं. नाउ आई कंक्लूड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ लेसन 8. वी शैल अगेन मीट विथ ए न्यू part of this lesson. Thanks.